कल हमने बात किया था इससे पहले जो एक्सरसाइज 1A के बारे में बात की थी, आज हम एक्सरसाइज 1 भी शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम शुरू कर रहे हैं, इससे पहले उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो एक्सरसाइज बी है वो एडिशन बेस्ड है। तो क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। और इस क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक इंटीजर होता है। एग्जाम्पल तौर पर समझ लेते हैं, जैसे हमने 3 लिया, 3 + 4 = 7। तो आप देख सकते हैं कि 3 और 4 इंटीजर है, लेकिन जो रिजल्ट आया आपका 7 वो भी एक इंटीजर है। तो आपको समझ में आई पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा इंटीजर होता है। एग्जांपल भी हमने समझ लिया कि जैसे हमने 3 + 4 को ऐड किया तो 7 आया, जो भी एक इंटीजर है। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में, जिसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं और उनका हम प्लेस चेंज कर देते हैं, दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, जैसे यहाँ a+b लिखा है तो बाद जो b+ है, यानी कि अगर हम दोनों का स्थान बदलते हैं, जगह चेंज करते हैं, तो भी रिजल्ट सेम आता है एडिशन। कैसे? जैसे हमने 3 + 4 किया या 4 + 3 किया तो रिजल्ट आया हमारा 7। चाहे आप 3 + 4 किए तब भी 7 आएगा, 4 + 3 कीजिए तब भी 7 आएगा। तो समझ में आ गया ये प्रॉपर्टी कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ एक चीज कॉमन है, क्या है कि यहाँ 3 नंबर्स दिए जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा 3 नंबर्स दिए जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर को छोड़कर पहले अगर लास्ट के 2 नंबर्स ऐड करें या स्टार्टिंग के 2 नंबर ऐड करके लास्ट के नंबर को बाद में ऐड करें तो भी रिजल्ट दोनों में सेम आता है। कैसे? एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं 3 + 4 + 5 ब्रैकेट में, और अगर 3 + 4 पहले ब्रैकेट में तो बाद में बाद, तो अगर हम ऐड करते हैं तो 3 या 4 + 5 को ऐड किया तो 9 आया। इधर देखिए 3 + 4 = 7 आया और 5। अब हम 3 + 9 करेंगे तो भी 12 आएगा, और 7 + 5 करेंगे तो भी 12 आएगा। यानी कि दोनों कंडीशन में, चाहे LHS ऐड करें या RHS ऐड करें, दोनों हालातों में जो रिजल्ट आएगा दोनों का सेम आएगा। अब बात करेंगे एडिसिव आइडेंटिटी, यानी कि अगर हम एडिसिव आइडेंटिटी ऑफ का बात करें, अगर हम प्रॉपर्टी जो एडिशन में बात करें कि एडिसिव आइडेंटिटी किसे बोलते हैं, तो वो है 0। यहाँ 0 जो है वो एडिसिव आइडेंटिटी कहलाती है। यानी कि किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 को ऐड करें या 0 को किसी भी इंटीजर में ऐड करें तो हमेशा वही इंटीजर आएगा जिसमें हम उस 0 को ऐड कर रहे हैं। जैसे 3 + 0 या 0 + 3 हमेशा क्या आएगा? 3 आएगा। या हम कोई और अगर नंबर लेते तो यहाँ पर वही नंबर आता। अब हम बात करेंगे एडिसिव इनवर्स। तो एडिसिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी नंबर का अगर हमें एडिसिव इनवर्स निकालना है तो हमें सिर्फ उसका साइन चेंज करना होगा। सिर्फ साइन का मतलब, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है और पॉजिटिव का एडिसिव इनवर्स निकाल रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम दोनों को आपस में ऐड करें तो आंसर हमेशा 0 आएगा। कैसे? देखिए 3 + 3 का एडिसिव इनवर्स क्या होगा? -3। और -3 का एडिसिव इनवर्स क्या होगा? 3। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है? 0। तो ये है एक्सरसाइज 1B में यूज होने वाली सारी प्रॉपर्टीज। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 4 एडिसिव आइडेंटिटी। यानी 0 को हम एडिसिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिसिव यूनिवर्स यानी कि किसी भी नंबर का एडिसिव यूनिवर्स निकालना है तो सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए। अब हम बात करेंगे इससे संबंधित एक्सरसाइज 1B। चलिए अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1B के बारे में। हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बात की तो हम एक्सरसाइज 1B के बारे में बात करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि आसानी से हमें समझ में आए कि क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन है ऐड द इंटीजर्स। अब कोई भी एक हम दे लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट लिया हमने 61 + (59) - तो 61 पहले हम साइन चेंज करेंगे, +(-) क्या होता है? -59। यानी कि अभी हमने जो क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी वही है ये कि अगर दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है? इंटीजर आता है। 61 में 59 अगर 9 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 2, जो भी एक इंटीजर है। एक एग्जांपल और इसका हम ले लेते हैं, इसी का 6th पार्ट ले लेते हैं, जो है -401 + 907
प्लस इन ब्रैकेट माइनस नाइन वन टू थ्री। तो यहाँ पर थ्री नंबर्स दिए हैं, तो क्या करेंगे हम पहले दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे यहाँ पर एक तरीका है कि हम पहले इन दो इंटीजर्स को ऐड कर लेते हैं। उसका रीजन क्या है कि दोनों सेम साइन है, दोनों क्या है सेम साइन है, तो सेम साइन जो इंटीजर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। डायरेक्ट हम ऐड भी कर सकते हैं, वन प्लस थ्री कितना होता है फोर, जीरो प्लस टू कितना होता है टू, फोर प्लस वन होता है फाइव, एंड नाइन का नाइन साइन रहेगा माइनस, फिर आएगा फाइनली नंबर सेवन। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ देख सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, साइन बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे नंबर कौन सा बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि नाइन फाइव टू फोर नाइन जीरो सेवन से बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा होता है हमेशा रिजल्ट में साइन उसी का आता है। तो अब इस नंबर से हम इस नंबर को माइनस कर देंगे, तो फोर्टीन से सेवन जाएगा सेवन, वन से जीरो जाएगा वन, और फिफ्टीन से नाइन जाएगा तो सिक्स, और यहाँ बचेगा एट। तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम बात करेंगे सक्सेसर और प्रेडिसेसर। सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर का मतलब होता है किसी भी नंबर का अगर सक्सेसर हमें निकालना है तो उसमें बस प्लस वन कर दीजिए, और प्रेडिसेसर निकालना है तो सिर्फ उसमें से एक कम कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या है सक्सेसर और प्रेडिसेसर के बारे में बात करें। इसलिए एक एग्जाम्पल देंगे इसका, बहुत ईजी है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट दिया माइनस फिफ्टी फाइव, तो माइनस फिफ्टी फाइव का हम सक्सेसर अगर निकालेंगे तो क्या है आएगा सक्सेसर ऑफ माइनस फिफ्टी फाइव। अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो माइनस फिफ्टी फाइव प्लस वन इज इक्वल टू माइनस फिफ्टी फोर। सर हम सिंपली हमने इसमें वन ऐड कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट देते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें क्या निकालना, प्रेडिसेसर, जस्ट इसका अपोजिट करना है। मतलब सक्सेसर में हमने प्लस वन किया था तो प्रेडिसेसर में माइनस वन करेंगे। समझते हैं दीदी कैसे, तो क्या लिखेंगे हम प्रेडिसेसर ऑफ माइनस नाइन नाइन नाइन, माइनस नाइन 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 का प्रेडिसेसर निकालेंगे तो माइनस वन करेंगे, यानी कि आ जाएगा सीधा वन थाउजेंड। क्लियर? तो ये था सक्सेसर और प्रेडिसेसर। सक्सेसर का मतलब प्लस वन एंड प्रेडिसेसर का मतलब माइनस वन करना है आपको दिए हुए नंबर्स में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। क्या है फाइव में, वो कह रहा है फाइंड द एडिसिव इनवर्स। एडिसिव इनवर्स अभी हमने बात किया था, एडिसिव इनवर्स का मतलब होता है सिर्फ आपको साइन चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। अगर हमें 1109 यानी कि 1109 का एडिसिव इनवर्स निकालना है, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए। कैसे, एडिसिव इनवर्स ऑफ 1109, क्या करना है सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, आंसर आपका आ गया। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, माइनस का होता तो ये पॉजिटिव हो जाता। हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करेंगे। क्या है, इसमें सिर्फ एम की वैल्यू निकालने। देखिए फर्स्ट पार्ट समझते हैं, एम प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ हमसे हमें एम की वैल्यू निकालनी है, तो एम के साथ जो कुछ भी है प्लस फॉर्म में है तो उसे ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज का मतलब होता है उसे दूसरी साइड पर ले जाना और साइन चेंज कर दीजिए, तो एम इज इक्वल टू आ जाएगा रिजल्ट आपका माइनस थर्टीन। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन सेवन में क्या है, क्वेश्चन सेवन में जो है फिल इन द ब्लैंक्स है वो तो आप स्वयं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन की। तो क्या है क्वेश्चन नंबर नाइन, आप देख सकते हैं, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के बारे में। क्या है क्वेश्चन, तो जो नाइन है क्वेश्चन नंबर वो ये है, द सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज माइनस 87, फाइंड थ्री इंटीजर्स। तो बहुत आसान, लेट थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स बी, लेट थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स बी। अगर हम बात करें तो ले देते हैं सीधा एक्स माइनस वन, एक्स एंड एक्स प्लस वन, इन तीनों का सम कितना दिया उन्होंने माइनस 87। तो समझ लेते हैं इन तीनों का सम जो दिया बहुत आसान, सम मतलब प्लस तो माइनस, प्लस प्लस एंड प्लस, कितना दिया है माइनस 87। तो हम क्या करेंगे, देखिए x को ऐड कर लेते तो एक ये है एक ये है, और ये होगा टोटल 3x माइनस 1 से, और ये 1 खत्म हो जाएगा, तो इज इक्वल टू माइनस 87। 3 का डिवाइड कर देंगे
तो माइनस 87 अपॉन 3 एक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस का 29। तो एक इंटीजर तो आ गया, हमें सब लिखना भी है। तो हैंस द 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर क्या है? इंटीजर पहला है x माइनस 1, तो x माइनस 1 का मतलब सीधा अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो 29 और माइनस यानी कि माइनस 30, फिर x जो है माइनस 29 और फाइनली 28। इन तीनों का जो हम सब करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 87। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज ये करेंगे और उम्मीद है कि आपको सारी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। कर दो पॉज।